हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ वेरिएबल पिस्टन पंप के बारे में। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी जहाँ पे मैंने बताया था पंप के बारे में, सभी टाइप के पंप वहाँ पे थे, तो उन्हीं में से एक था वेरिएबल पिस्टन पंप। वहां पे मैंने बताया था कि वेरिएबल पिस्टन पंप क्या होता है, ये कैसे फंक्शनिंग करता है और इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या होते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं कवर करूंगा कि कैसे आप कोई वेरिएबल पिस्टन पंप को रिपेयर कर सकते हैं और कैसे उसको डिसमेंटल करके दोबारा से असेंबल कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या उनमें पार्ट्स रहते हैं और किस पार्ट का क्या रोल होता है, और कुछ साथ ही कुछ क्रिटिकल चीजें बताऊंगा जो कि असेंबली के टाइम पर आपको ध्यान देनी जरूरी है। तो दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखिए, अगर आपने कोई पार्ट इसमें मिस कर दिया तो हो सकता है कि आपका जो पंप है वो रॉन्ग असेंबल हो जाए। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आज हमने लिया है यूकेन का AR16 पंप। 16 का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये पहला पोर्ट मैं दिखा रहा हूँ, ये है कि ड्रेन पोर्ट, उसके बगल में है हमारा ऑयल फिल पोर्ट जो कि नट लगा हुआ है जहाँ पे, और ये जो है प्रेशर कंपनसेटर जहाँ पे प्रेशर हम एडजस्ट करते हैं, और इधर है फ्लो एडजस्टमेंट वॉल्व। फ्लो एडजस्टमेंट नॉर्मली हम नहीं एडजस्ट करते हैं, ये एक बार हम सेटिंग इसकी कर देते हैं। और इधर आपको दिख रहे होंगे पोर्ट जो कि इनलेट और आउटलेट पोर्ट हैं। तो यहाँ पे मैं चार स्क्रू आपको दिखा रहा हूँ, ये सबसे पहले आपको खोलने हैं इस पंप को डिसमेंटल करने के लिए। देख सकते हैं कि आप चार स्क्रू यहाँ पे दिए हुए हैं, तो वन बाय वन हम इसे खोल लेंगे। तो देखिए वन बाय वन हमने ये खोल लिए हैं, चारों स्क्रू को हमने लूज़ कर लेना है। चारों स्क्रू लूज़ करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर आप हल्का हल्का सा इसको मूव करेंगे तो दो पार्ट में अलग अलग हो जाएगा। दो पार्ट में अलग अलग होने के बाद आप कुछ पार्ट्स यहाँ पे देख सकते होंगे, जैसे कि ये प्लेट आपको दिख रही होगी, ये अलग हो जाएगी इस तरफ को, और हमारे पंप के अंदर से हमारे स्प्रिंग निकलेंगे। स्प्रिंग के बाद देखिए सिलेंडर ब्लॉक ये निकल गया हमारा, इसको हम सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पिस्टन चलते हैं। और ये देखिए पिस्टन शूज हमारे ये बाहर आ गए हैं, इसमें नॉर्मली 9 पिस्टन शू हैं इसके अंदर। और ये एक प्लेट है जो कि लगी रहती है वहाँ पर पिस्टन को मूव करने के लिए, ये स्क्वायर प्लेट यहाँ पर दिख रही होगी आपको। तो इस तरीके से हमने सारे पार्ट अलग अलग रख लिए हैं। उसके बाद देख रहे हैं अंदर, इसमें अभी इनपुट शाफ्ट बची हुई है, इनपुट शाफ्ट और बेयरिंग, तो वो भी हम सर्कल निकालने के बाद इसको निकाल लेंगे। तो अभी देखिए दूसरे पार्ट क्या होते हैं, ये हमारा फ्लो एडजस्टमेंट सिस्टम जो होता है उसमें एक एलन की टाइप की अंदर रहती है जो कि स्क्रू से आगे पीछे इसको मूव करती है। अब हम दिखाते हैं आपको कि ये कैसे पिस्टन हमारे सिलेंडर में मूव करते हैं। अब देखेंगे आप तो इस तरीके से ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव करके यहाँ पे सक्शन करते हैं और फिर प्रेशराइज फ्लूड आगे पीछे देते हैं। तो ये 9 के 9 जो पिस्टन इसमें है ना, अलग अलग पोजीशन पर रहेंगे जब हमारा पंप रोटेशन करेगा। अब देखिए मैंने सारे पार्ट क्लीन कर लिए हैं एक एक करके, और यहाँ पर अच्छे से इनको वॉश कर लिया है। अब हम इसके बाद असम्बली करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों मैं एक एक करके आपको पार्ट समझा देता हूँ। ये ब्लॉक है, यहाँ पे प्रेशर कंपनसेटर लगता है और साथ ही यहाँ पे इसमें पोर्ट अवेलेबल रहते हैं इस पार्ट के अंदर। दूसरा देखिए यहाँ पे पोर्ट देख रहे होंगे आप, थ्रेडेड वाला हमारा आउटलेट पोर्ट है और विदाउट जो होल है वो इनलेट पोर्ट है। ये देखिए आप प्रेशर कंपनसेटर है, इसमें एक अंदर स्पूल होता है जिसके कारण हमारा जो है प्रेशर एडजस्टमेंट होता है, प्रेशर रिलीफ वॉल्व भी कह सकते हैं उसको। और ये देखिए इनपुट शाफ्ट है, यहाँ पर मैंने बेयरिंग डिसमेंटल नहीं की है तो बेयरिंग इससे अलग है, इनपुट शाफ्ट और बेयरिंग हम अलग अलग कर सकते हैं। ये देखिए जो मैंने उठाया है, यह है सिलेंडर ब्लॉक, क्योंकि इसमें हमारे ये सारे ब्लॉक्स हैं जिसमें कि पिस्टन हमारे मूव करते हैं इस तरीके से, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पिस्टन हमारे ऊपर नीचे मूव करते हैं। तो ये पिस्टन विद शू हैं। और दोस्तों ये जो दो होती हैं वो बेयरिंग शेल होती हैं, यहाँ पे हमारा जो है स्क्वायर प्लेट, इसी पे हमारी गाइड रहती है। तो ये जो मैंने उठाया ये है दोस्तों स्क्वायर प्लेट, जहाँ पर हमारे जो पिस्टन शू हैं वो टच होके चलते हैं, जो कि आपको राउंड सी शेप दिख रही है, और इसी से हमारा प्रेशर एडजस्टमेंट होता है या फिर हम कह सकते हैं फ्लो एडजस्टमेंट होता है। तो दोस्तों ये है स्पूल और हाउसिंग जो कि हमारा फ्लो एडजस्टमेंट के लिए यूज़ होती है। ये इसके अंदर देख सकते हैं आप इस तरीके से एलन की होती है, और साथ में ये ब्लॉक होता है जो कि हमारा स्वैस प्लेट को पुश करता है ताकि हम इससे फ्लो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यह है पाइवट जो कि हमारा पिस्टन को मूवमेंट इसी पे होता है अंदर बाहर, और ये रिटेनर प्लेट है, तो इस तरीके से ये पिस्टन को रिटेन करके रखती है। और ये यहाँ पे पोर्ट प्लेट है जो कि पोर्ट वाले पे लगी रहती है। तो
यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये है हमारी सील, जो फ्रंट सील होती है जो कि ऑयल को बाहर आने से रोकती है। साथ में इसमें कुछ ओरिंग्स भी रहती हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं दिखाई हैं, बट इसमें ओरिंग्स भी काफ़ी यूज़ होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम वन बाई वन पार्ट को असम्बल करते हैं। तो मैंने ले लिया है एल्यूमिनियम हाउसिंग, आप देख रहे होंगे, सबसे पहले एल्यूमिनियम हाउसिंग को मैंने इस तरीके से रख दिया है। इसमें मैं सबसे पहले डाल देता हूँ सील, तो सील आप देख रहे होंगे इस तरीके से हम डाल देंगे। इसमें मेटल वाला हिस्सा अंदर की तरफ हाउसिंग के रहेगा, बाहर की तरफ रबर वाला पार्ट जाएगा। इसके बाद इस तरीके से हम इनपुट शाफ्ट को इसमें एंटर करते हैं, और इनपुट शाफ्ट को करने के बाद हम हल्का हल्का मैलेट से इसको पुश करते हैं, तो बेयरिंग वहाँ पे बेयरिंग शीट में बैठ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे लगा देंगे इसका सर्क्लिप, ताकि हमारा जो बेयरिंग है वो बाहर ना आए। इस तरीके से हम सर्क्लिप प्लायर का यूज़ करके इस सर्क्लिप को बैठा लेंगे। सर्क्लिप बैठाने के बाद हम बैठाते हैं बेयरिंग शेल। बेयरिंग शेल यहाँ पे दो डावल से गाइड रहती है, तो दोनों डावल को यहाँ पे प्रेस करके अच्छे से इस सेल को बैठा लेंगे। अब देखिए बेयरिंग सेल हमने बैठा लिए हैं, उसके बाद हम रख देंगे इसमें स्वैस प्लेट। स्वैस प्लेट रखते वक्त ये ध्यान देना है कि इसका डायरेक्शन हो वो सही तरफ को हो, तो उसके लिए मैंने ली है ड्राइंग। ड्राइंग में मैं चेक करता हूँ कि जो स्वैस प्लेट का है वो जो डायरेक्शन है वो किस तरीके से रहेगी। तो यहाँ पे मैंने ड्राइंग के हिसाब से देखा और चेक किया, तो मुझे देखा कि ये जो डायरेक्शन है पोर्ट की तरफ, हमारा जो लंबा वाला हिस्सा है वो पोर्ट की तरफ आएगा, ये वाला हिस्सा। तो मैंने पोर्ट की तरफ इस हिस्से को करके मैं बैठा लेता हूँ। दूसरी चीज़, ये ऐसे भी कंफर्म हो जाएगी अगर ये आपका सेंटर पे आ रही है स्वैस प्लेट, मतलब ये देखिए सेंटर पे दिख रही है, इसका मतलब सही है। अगर ये रॉन्ग होगी तो ये सेंटर से ऑफसेट हो जाएगी, मतलब कि ये बिल्कुल सेंटर पे नहीं रहेगी। तो सेंटर पे है इसका मतलब आपने ओके ही लगाई है। अब देखिए हम वन बाई वन प्लेट में हम सारे पिस्टन को डालते हैं वन बाई वन। यहाँ पर मैंने वन बाई वन सारे पिस्टन डाल दिए हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसको साइड रख देते हैं। साइड रखने के बाद हम देखिए बाकी असेंबली कर लेंगे यहाँ पे, जो कि हमारा फ्लो एडजस्टमेंट वाल के लिए स्पूल रहता है वो हमने सेट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए उसके बाद हमने ये प्लेट को यहाँ पे सेट कर दिया है। डावल यहाँ पे है, तो डावल की हेल्प से उसको एडजस्ट कर लेंगे। प्लेट का जो प्लेन वाला हिस्सा है वो ब्लॉक की तरफ आएगा, वो हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे हम प्रेशर कंपनसेटर की असेंबली कर लेंगे। यहाँ पे हम ओरिंग रिप्लेस कर सकते हैं, ये तीन ओरिंग यहाँ पे हैं, तो इनको रिप्लेस कर लीजिए जब भी आप वॉल्व को डिसमेंटल करने के बाद दोबारा असेंबल कर रहे हैं। उसके बाद हमने चार स्क्रू से उसको स्क्रू कर देंगे। तो स्क्रू करने के बाद ये देखिए वन बाई वन यहाँ पे सारे मैंने स्क्रू कर दिए हैं। उसके बाद देखिए मेरे पास है सिलेंडर ब्लॉक, यहाँ पे तीन पिन आपको दिख रही होंगी। इन तीन पिन को आप ग्रीस की मदद से इंसर्ट कर लीजिए, ताकि असेंबली के टाइम पे नीचे ना जाए। फिर मैंने पिवॉट रख दिया बीच में। पिवॉट रखने के बाद मैंने जो ये प्लेट में सारे पिस्टन डाले थे, ये इसके ऊपर डाल के हम सिलेंडर ब्लॉक में इंसर्ट करेंगे। सारे के सारे पिस्टन हम वन बाय वन इनको गाइड करते हुए सिलेंडर ब्लॉक में डाल लेंगे। देखिए इस तरीके से वन बाय वन गाइड करेंगे, तो इस तरीके से गाइड करते हुए हम ये देखिए सारे पिस्टन मैंने डाल लिए हैं। और पिवॉट में रहने के बाद देखिए इस तरीके से जब ये हिलना शुरू करेंगे, इस तरीके से अगर आपका मूवमेंट होना चाहिए पिस्टन का, बिकॉज रोटेशन के टाइम पे भी इसी तरीके से सारे पिस्टन मूव करते हैं। उसके बाद आराम से हम इजीली पकड़ते हुए, ताकि हमारी पिन भी ना निकले और पिस्टन भी ना निकले, उसके बाद हम इसको इंसर्ट कर लेंगे ब्लॉक को विद पिस्टन। तो ये पिस्टन सब असेंबली के बाद अब हमारा दो तीन चीज़ें और बचती हैं। इसके बाद देखिए हम स्प्रिंग डाल देंगे, जो कि स्प्रिंग अंदर है, जो कि हमारा स्वैस प्लेट को दबा के रखती है यहाँ पे। तो इस तरीके से स्प्रिंग में एक स्पूल टाइप का भी होता है, तो वो एक उसको हम प्रॉपरली गाइड करते हुए एक होल में, तो देखिए स्वैस प्लेट में एक कॉनिकल होल टाइप का रहता है, तो वहाँ पे इसको गाइड कर देंगे। और देखिए ऊपर वाला कवर जो कि जिसमें पोर्ट होते हैं, हम धीरे धीरे इसको गाइड करेंगे। और स्प्रिंग हमारा ध्यान रहे कि स्प्रिंग वहाँ से डीलोकेट ना हो, अगर स्प्रिंग हमारा गिर जाएगी अंदर या डीलोकेट हो जाएगी, तो हमारा जो पंप है वो प्रेशर नहीं बना पाएगा। तो इसको ध्यान रखिए, ईजिली आप गाइड करते हुए पूरा उंगली या किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको गाइड करते हुए वहाँ पे लोकेट कर दीजिए। और उसके बाद चारों बोल्ट को आप धीरे धीरे गाइड करते हुए लगाना शुरू करिए। अब देखिए वन बाय वन मैं स्क्रू करूँगा, चारों स्क्रू मैंने धीरे धीरे लगाएंगे और इनको क्रॉस में धीरे धीरे टाइट करते शुरू करेंगे। तो आप क्रॉस में एक बार टाइट करिए, जैसे मैं कर रहा हूँ। क्रॉस में टाइट करने के बाद देखिए दूसरे को, बाकी बचे हुए दो को मैंने क्रॉस में टाइट कर लिया। इस तरीके से हम सारे स्क्रू टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों अब मैंने इस पंप को मोटर के साथ असेंबल कर दिया है पावर पैक पे। अब मैं इसका लेने जा रहा हूँ ट्रायल।
टायर लेने के लिए मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। आप देखिए यहाँ पे मोटर ऑन हो गई है और पंप चलना शुरू हो गया। प्रेशर कंपनसेटर की मदद से हम एडजस्ट करके देख सकते हैं प्रेशर को। अभी देखिए 50 बार है, कंपनसेटर से हम धीरे धीरे इसको बढ़ा के 75 तक ले जा रहे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि कैसे हम वेरिएबल पिस्टन पंप को डिसमेंटल करके दोबारा असेंबल कर सकते हैं और क्या क्या चीजें उसमें ध्यान देने वाली है, और साथ ही हमने ट्रायल कैसे लिया वो भी आप जरूर जान गए होंगे। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन दबाना भी ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।